जैसे फ्लैगशिप और कीस्टोन स्पीशीज को समझने के लिए हमने पहले उनके लिटरेरी मीनिंग को समझा था, ऐसे ही यहाँ पर अमरीला स्पीशीज को समझने के लिए, अमरीला, वैसे अमरीला का क्या समझना है ये तो आपको पता है, लेकिन एक वर्ड है, एक चीज एक्सटेंड कर लीजिए, ये मैंने अमरीला की शेप बना रखी है, वैसे यहाँ पर सीधा अमरीला देख सकते हैं, यहाँ पर कंसेप्ट डिस्क्राइब किया गया है। याद क्या रखना है, जब आपने अमरीला स्पीशियस को याद रखना है कि अमरीला बहुत बड़ा है। अमरीला का काम क्या होता है, बारिश होती है, धूप होती है, हम उसके नीचे आते हैं, वो हमें प्रोटेक्ट करता है। सो प्रोटेक्शन इज, प्रोटेक्शन इज सेंट्रल आइडिया टू अंडरस्टैंड अमरीला स्पीशियस। प्रोटेक्शन के रिलेटेड दूसरा वर्ड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेशन, जो स्पेसिफिक जहाँ तो ह्यूमन एफर्ट हैं कि वो फ्लोरा और फौना दोनों को, एनिमल्स को, ट्रीज को, दोनों को बचाने के लिए एफर्ट किए जाते हैं, जहाँ ह्यूमन बीइंग ऐसे कुछ करता है कि जो नेचर ने सिस्टम दिया है उसको रीजनिंग अप्लाई करके, इंटेलेक्ट अप्लाई करके, अच्छी प्लानिंग करके, एनर्जी को सेव करके, जो है मनी को सेव करके, नेचुरल सिस्टम को ऐसे यूज करना कि प्रोटेक्शन या कंजर्वेशन के गोल हैं अचीव हो जाएं, मतलब कि मैक्सिमम डाइवर्सिटी कायम रहे, कोई भी एनिमल या स्पीशियस एक्सटिंक्ट ना हो, एंडेंजर्ड लिस्ट में ना जाए, उनकी गिनती ना ज्यादा कम हो जाए, ना ज्यादा बढ़ जाए। तो ऐसा सब करने के लिए एनवायरमेंटल साइंटिस्ट ने कुछ स्पीशीज को सिलेक्ट किया जो रिप्रेजेंट करते थे उसके इकोसिस्टम को, और उनका मेजर रोल था प्रोटेक्शन ऑफ अदर स्पीशीज विद इन सेम हैबिटेट और इकोसिस्टम। तो पहले एग्जांपल देख लें कौन सी हैं मेन एग्जांपल, और एग्जांपल के पीछे जो मेन रीजनिंग पड़ी है वो क्या है। नंबर एक एग्जांपल हमारे पास, बेस्ट एग्जांपल नोट करवाऊंगा, एक तो हो गई आपका ये जैंट पांडा, बड़ा प्यारा देखने में है ना, स्पॉटेड आउल है ना, व्हेल है, राइट व्हेल इसकी एग्जांपल है, ग्रेजी बियर है, हाँ टाइगर है, टाइगर एमोर टाइगर, रेड वोल्फ है। तो आप ये देखिए कि जितनी भी एग्जांपल हैं वो सारे जीव पावरफुल है, पावरफुल है ना, ज्यादा पावर है। तो हमने एग्जाम जो डेफिनेशन की है वो क्या है, प्रोटेक्शन। कभी कोई वीक पर्सन किसी को प्रोटेक्ट कर सकता है, नहीं, पावरफुल ही करेगा। दैट इज वाई लार्ज नंबर ऑफ एग्जाम्पल पावरफुल की है, लेकिन एक डिफरेंट चीज है कि बे चेकर स्पॉट बटरफ्लाई की एग्जाम्पल इसमें डाली गई है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि ये एक विशेष कैटेगरी है वे। सो इसके अलावा और एग्जांपल्स क्या हैं, नीचे मेरे के पास यहाँ पर हो गई, हिल जा भाई, और एग्जांपल क्या हैं जो और ऑथर्स ने दी हुई हैं, बियर है, आउल है ना, ये आ गया, ये हमारे नहीं, व्हेल है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये व्हेल है, इसके यहाँ पर कितने जीव चिपके हुए हैं, लार्ज नंबर में, लार्ज नंबर में, यहाँ पर दिखाई नहीं देते, इसको बड़ा करके देख सकते हैं। तो ये क्या है, अब इंटरेक्शन है एनिमल्स का आपस में, और एक तो म्यूचुअलिज्म होता है जिसमें दोनों जीवों के इंटरेक्शन में दोनों को बेनिफिट होता है, एक कमेंसलिज्म होता है जिसमें एक जीव को तो बेनिफिट होता है लेकिन दूसरे को नेगेटिव, नुकसान नहीं मिलता, इसको पॉजिटिव मिल रहा है ये जीवों को, तो ये साथ में चिपके हुए हैं, सारे समंदर का सफर जहां जहां व्हेल करेगी वहां वहां साथ करेगा, और ये व्हेल का होना, व्हेल के साथ होना इनको क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। दैट इज वाई व्हेल अमरीला स्पीशियस में डाली गई है। अब ब्रीफ में अगर इनका कंसेप्ट और फीचर इकट्ठे समझेंगे और उनको मेमोराइज कैसे करना है साथ में करेंगे, पहले हम बना लेंगे ऐसा एक अमरीला, याद रहेगा, और नीचे को बन गया ये एक, ये क्या हो गया, टूट गया भाई, जुड़ जा, हाँ ये भी अच्छी बात है। तो ये नीचे को उसकी स्टिक बन गई है ना, तो स्टिक बन गई, स्टिक को मैंने आई समझा और यहां लिख दिया इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट अदर स्पीशीज, तीन बातें हैं यहां पर। तो मेन टर्म जो डिफाइनिंग टर्म है इसमें आ गई प्रोटेक्शन।
तो प्रोटेक्ट किस किस को करके हैं? अम्ब्रेला के इस साइड मैंने प्लांट्स भी लिख दिया, प्लांट्स भी अम्ब्रेला स्पीशीज हो सकते हैं और एनिमल भी हो सकते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और यहां पर मिड में मैंने लिखा है बड़ा करके अम्ब्रेला स्पीशीज और उसके लेटर जो हैं थोड़े बड़े बड़े करके लिख दिए, क्यों? क्योंकि इसके साथ जोड़ के मैंने बाकी फीचर को समझना है। वो कैसे समझा है? यहां पर पहले से बना रखा है मैंने, जैसे आई से हो गया इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन ऑफ अदर स्पीशीज, उसकी एग्जांपल हम देख के आए हैं। अच्छा, ये एक और बात है कि ये इसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट प्रोटेक्शन नहीं होगी, डायरेक्ट भी है लेकिन लार्जली इनडायरेक्टली स्पीशीज प्रोटेक्ट करते हैं। अब इनडायरेक्ट का मीनिंग अगर आपने समझना है, मान लीजिए स्पीशीज हैं और कैटेगरी ए है कोई भी, बी है ना, सी है, मान लीजिए ये पावरफुल है जहां प्रोटेक्ट कर सकती है, तो इसने इसको प्रोटेक्ट किया बी को, है ना, बी की सेफ्टी उसकी होंद ने सी को प्रोटेक्ट किया, और ए इस ऐसे क्या हुआ कि ए ने सी को इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट किया, इनडायरेक्ट, ठीक। तो ये ए ने बी को डायरेक्टली प्रोटेक्ट किया, दोनों ही होते हैं लेकिन इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन ज्यादा है, ये हमने लर्न किया। अब यहां पर अम्ब्रेला लिखा हुआ है, अम्ब्रेला के ये ई से मैंने लिख दिया, यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट था एनकंपास, ये एनकंपास कितने जनों को अपने अंदर अम्ब्रेला टर्म जो है अम्ब्रेला भी कलावे में लेता है, तो एनकंपास द नीड्स ऑफ अदर स्पीशीज इन सेम इकोसिस्टम, ये नेक्स्ट पॉइंट हो गया। और एल से मैंने उठाया लार्ज, लार्ज हैबिटेट नीड, इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, मतलब इनको एरिया लार्ज चाहिए। अगर इनका कंपैरिजन आपने कीस्टोन स्पीशीज से करना है, इनसे कंपेयर करें तो इनको अम्ब्रेला स्पीशीज को लार्ज हैबिटेट चाहिए, लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया चाहिए, अच्छा ज्यादा फूड चाहिए, एरिया में ज्यादा घूमना फिरना पड़ता है, और मेट्स चाहिए अपने बच्चों को पालने के लिए, ज्यादा एरिया चाहिए। और ज्यादा हैबिटेट क्यों चाहिए, उसका एक कारण ये भी है कि एम, अम्ब्रेला का एम उठाया और मैंने यहां माइग्रेटरी लिख दिया, क्योंकि माइग्रेटरी मैनी स्पीशीज आर माइग्रेटरी के प्रवासी होते हैं, दूसरी जगह से वहां आते हैं। कीस्टोन से इसका कंपैरिजन किया जाए तो ये माइग्रेटरी नहीं होते, ये माइग्रेटरी ज्यादा होते हैं, ये मेजर डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि इनसे क्यों ही कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि अम्ब्रेला स्पीशीज को क्लोजली रिलेटेड विद कीस्टोन स्पीशीज से माना जाता है। ये क्वेश्चन भी बनता है कि कौन से अम्ब्रेला स्पीशीज किस स्पीशीज से सबसे ज्यादा रिलेटेड है। अब और डिफरेंस क्या है कीस्टोन और अम्ब्रेला में, वापस इधर आ जाएं, क्लोज है, तो इकोसिस्टम इंजीनियर टर्म किसके साथ ज्यादा जुड़ती है, ये यहां पर एरो डाला है, ये कीस्टोन के साथ जुड़ती है, क्योंकि ये गिनती में बहुत कम, मतलब कम होते हैं, बहुत कम नहीं कहना चाहिए, इनसे कंपेयर करें तो कम होते हैं, और इनका काम ऐसे घर बना लेना, ऐसे वहां के वातावरण की शेप को, स्ट्रक्चर को, फंक्शन को चेंज कर देना है, दैट इज वाई इनको इकोसिस्टम इंजीनियर कहा जाता है, जो की स्टोन में मैंने मिस कर दिया था, यहां ये बता रहा हूं। वापस चलते हैं, हमने ई से ये लर्न कर लिया, एल से ये लार्ज लर्न कर लिया, एम से माइग्रेटरी लर्न कर लिया, आर से रिप्रेजेंट दियर इकोसिस्टम, इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंट। देखिए फ्लैगशिप में मैंने कहा था वो सिंबल के तौर पर यूज करते हैं, और सिंबल रिप्रेजेंट करता है किसी करेक्टरिस्टिक्स को, किसी वातावरण के गुण को, किसी कल्चरल गुण को। फॉर एग्जाम्पल पीकॉक है, वो हमारे कल्चर में प्योरिटी का है ना सिंबल है, पीकॉक हमारे कल्चर में ब्यूटी का सिंबल है, तो शेर जो है बहादुरी का सिंबल है, तो वो उसके सिंबल है। यहां पर ये जो अम्ब्रेला स्पीशीज सेलेक्ट किए जाते हैं, सेलेक्ट कौन करेगा, एनवायरमेंटलिस्ट सेलेक्ट करते हैं, वो सेलेक्ट उन जीवों को करते हैं जो वहां के इकोसिस्टम की प्रतिनिधित्व करते हैं, इट मींस जो वहां के इकोसिस्टम के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेन विशेषता है, वो मेन विशेषताएं उन स्पीशीज में होती हैं, और जिसके कारण
अदर्स स्पीशीज को प्रोटेक्शन मिलती है, कंजर्वेशन मिलती है। तो ये हो गया आर से। अब आगे चलते हैं, इस तरफ बढ़ते हैं। तो ये करना क्या करता है, मेक इजी मेक इकोसिस्टम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी इजियर, ये सेंट्रल आइडिया है इसका। अगर ऐसा होता है, ह्यूमन बीइंग अपने दिमाग के साथ जो स्ट्रेटजीज बनाता है कि मैंने कैसे अच्छी प्लानिंग करके, अच्छी प्लानिंग कब होती है, जब एनर्जी और मनी और रिसोर्सेज बचते हैं, है ना, आगे वाला पॉइंट यही आएगा। तो वो कैसे होता है, वो ऐसे होता है, इस एग्जाम्पल को हम समझ लेते हैं। यहाँ पर इसको बंद करके यहाँ चलते हैं, ये रहा। मान लीजिए ये रियल रिसर्च में से एग्जाम्पल है मैं जो दे रहा हूँ। ये जैंट पांडा है, इनको अम्ब्रेला टर्म में इसकी इमेज बड़ी रखी गई है, और यही इकोसिस्टम में ये अच्छे प्यारे प्यारे पंछी, देखिए कितने पंछी हैं, ये रियल उसके इसके इकोसिस्टम में रहते हैं। अब क्या होगा, ये कितने ये पंछी हैं, ये सारे जिनको ह्यूमन बीइंग अट्रैक्ट करता है, ह्यूमन बीइंग, वो जो लालची ह्यूमन बीइंग है, ये सारे वाले सारे सारे सारे, इसके नाम भी यहाँ लिखा है, मल्टी कलर्ड फीसेंट, गोल्डन मॉन्की, टाकिन, क्रेस्टेड इबिस, ऐसे नाम हैं। तो अब ह्यूमन बीइंग क्या करेगा कि लालच में आएगा, जहाँ ब्यूटी के कारण, जहाँ किसी के कारण, वो इनका शिकार करने आएगा, हंटिंग करने आएगा, यहाँ मैंने हंट लिख दिया। तो जब उसी इकोसिस्टम में जायंट पांडा है, एलिफेंट है, जो कि इसका इसका शिकार कर सकता है, इसको किल कर सकता है, इसके लिए खतरा बन सकता है, तो वो इसके डर से, यहां पर फियर लिख दिया, इसके फियर से वो इन जीवों की हंटिंग नहीं कर पाएगा, या कम पाएगा, जहाँ ये उसकी हंटिंग में, शिकार करने में रुकावट बनेंगे। अब ह्यूमन बीइंग को जब ये नॉलेज मिली, अब ये नॉलेज मिली, इसकी बेस पर प्लानिंग करनी है, प्लानिंग में क्या करना है, हमने एनर्जी रिसोर्सेज बचाने हैं, तो वो कहते हैं इनको बचाना, इनको बचाना, इनको बचाना, इनको बचाना, इनको बचाना, इन सभी को बचाने में मान लीजिए 1,000 रुपए लगते हैं, मान लीजिए 1,000, इतनी छोटी रकम लगती नहीं है यहाँ। तो अगर हम सिर्फ पांडा की प्रोटेक्शन करते हैं ज्यादा, तो इस पर लग रहे हैं 100 रुपी, ओके। तो जब इसको बचा लिया, तो इसने ऑटोमेटिकली नेचुरली बाकी जीव जंतुओं को बचा लिया। तो ये हो गई प्लानिंग में ऐसी कि हमने एनर्जी रिसोर्स और मनी बचा लिए, और हमारा कंजर्वेशन का गोल जो था, प्रोटेक्शन का गोल था कि सारे जीवों को बचा सके, डाइवर्सिटी, ये बायोडाइवर्सिटी को, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखें। मेंटेन कैसे बायोडाइवर्सिटी रहेगी कि विभिन्न प्रजातियों के जीव उसी इकोसिस्टम में रह रहे हैं। अगर ह्यूमन बीइंग इसको खा गया, इसको खा गया, इसको खत्म कर गया, इसको खत्म कर गया, तो डाइवर्सिटी कम हो रही है। तो ऐसे अम्ब्रेला स्पीशीज को आइडेंटिफाई या सेलेक्ट किया जाता है, और उनकी प्रोटेक्शन की जाती है, उन पर खर्चा किया जाता है, वो इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली आगे बाकी उसके इकोसिस्टम के जीवों को बचाता है। तो ये ह्यूमन बीइंग की कह सकते हैं कि दिमाग का प्रयोग है, प्लानिंग है। तो यहाँ इसीलिए लिखा गया है कि ये स्ट्रेटजीज, मैनेजमेंट स्ट्रेटजी इजियर बनाते हैं अम्ब्रेला स्पीशीज। तो कंजर्वेशन में ये बात हो चुकी है, हेल्प करते हैं कि एफर्ट्स को नेचुरली, कहाँ हमने 100 जीवों को बचाना है, कहाँ 10 को बचाया, और 10 ने आगे 90 को बचा दिया, है ना, 100 अगर होते हैं तो ऐसे ही प्लानिंग अच्छी होगी, रिसोर्स बच गए, एनर्जी बच गई। इसके अलावा डेफिनेशन में एंटीसिपेटेड प्रोटेक्शन भी इसको कहा जाता है कि अगर हमने अम्ब्रेला एनिमल्स को, स्पीशीज को बचा लिया, तो बाकी के ऑटोमेटिकली नेचुरली बच जाएंगे। तो ये था अम्ब्रेला स्पीशीज का कंसेप्ट एंड फीचर्स रिगार्डिंग एमसीक्यू क्वेश्चन, जो इसके कंसेप्ट को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, नॉलेज को इंक्रीज करेंगे, और आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हेल्प करेंगे। नीचे लिंक दिया गया होगा, वो डिफरेंट वीडियो होगा, उसमें सॉल्व करेंगे, एडिशनल एग्जाम्पल उसमें भी पाई जाएंगी। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्सलाइज़।